जादू की छड़ी कुछ नहीं होती, जब आपका एक बार इंटरेस्ट हो जाता है ना, तो आप कितनी मेहनत कर रहे हो आपको खुद पता नहीं लगता, आपको लगता है कि मैं नहीं कुछ कर रहा, बात इंटरेस्ट की होती है बस, कि आपका इंटरेस्ट था पढ़ने में तो उसके आगे कुछ अच्छा नहीं लगता था, जब आपका इंटरेस्ट हो जाता है ना कि ना समथिंग डू, हमें कुछ करना है, तो फिर हाँ फिर पैशन हो जाता है, फिर आपको नहीं पता चलता कि आप 10 घंटे बैठे हो, 12 घंटे बैठे हो, कंटिन्यू बैठे रहते हो, अगर आपका पैशन नहीं है तो। अब मैं भी सोचता हूँ कि मैं उस समय कैसे इतना पढ़ता था, उस समय नहीं लगता था कि मैं बहुत पढ़ रहा हूँ, तो ये तो आपका पैशन है कि इंटरेस्ट था कि भाई हमें कुछ सीखना है, ये कभी नहीं सोचा कि गोल्ड मेडलिस्ट बनना, कभी नहीं आया मन में, बस ये था कि कुछ सोचना है, कुछ नया सीख रहे हैं हम, उस नए सीखने में इंटरेस्ट जितना बढ़ा वो बढ़ता चला गया। नमस्कार, सत श्री अकाल, हिंदुस्तान जिंदाबाद। प्यारे वर्ष, मैं हूँ आपका मेज़बान जाहिद अली खान और आप देख रहे हैं नया हिंदुस्तान। प्यारे वर्ष, आज हम एक ऐसी हस्ती के बीच में हैं जो कि एक साधारण किसान परिवार के अंदर जन्म लिया और कहीं ना कहीं उसी परिवेश में खेती बाड़ी की और संयुक्त परिवार में संस्कार हासिल कर त्याग तपस्या कुंदन बनकर कहीं ना कहीं किसान का बेटा एक जनपद मेरठ के अंदर एक अधिकारी बना है, कृषि अधिकारी, जिसमें तमाम पूरे बुलंदशहरवासी और तमाम NCR रीजन के अंदर तमाम किसान परिवार के लोग गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और हम भी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और तहे दिल से हम उनको सैल्यूट करते हैं, उनके परिवार को, उनके परिजनों को, विशेष रूप से जो उनके मेंटर रहे इस फील्ड में, उनके मौसाजी, तो आपसे रूबरू कराते हैं। बस डॉक्टर ओमपाल सिंह पुनिया जी, जो कि वर्तमान में जनपद मेरठ के अंदर अपर जिला कृषि अधिकारी की पोस्ट पर तैनात हैं और कहीं ना कहीं उसी किसान की आत्मा से, उसी किसान के परिवेश में कहीं ना कहीं विभाग को, सरकार को और कहीं ना कहीं समाज को और पूरे अपने देश की सेवा में समर्पित हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तमाम चैनल के व्यूअर्स और दर्शकों की ओर से आपको कोटि कोटि बधाई, शुभकामनाएं। एक किसान परिवार में आपने जन्म लिया, साधारण एक जो किसान परिवार होता है, कहीं ना कहीं संघर्षशील आपका जीवन गुजरा, जैसे ही छोटे आप थे पिताजी का देहांत हो गया, सर से साया उठ गया, उसके बाद में कहीं ना कहीं खेती बाड़ी में भी लगे रहे और संयुक्त परिवार में परिवेश होकर जो संस्कार और कहीं ना कहीं एक फौजी के मानिंद आपने लगातार हार नहीं मानी और लगातार त्याग तपस्या बलिदान से कहीं ना कहीं आगे बढ़ते चले गए, तो उसके लिए आपको सैल्यूट, आपकी हिम्मत को और आपकी जो कहीं ना कहीं आप प्रेरणा स्रोत हैं हमारे नौजवानों के लिए, देश के अंदर पूरे नौजवान कहीं ना कहीं आपसे प्रेरणा का स्रोत हासिल कर सकें और इस हाईली अप्रिशिएटेड, क्योंकि एक किसान के बेटे को इतनी बड़ी सीढ़ी पर चढ़ना और उसके बाद में मुकाम हासिल कर और कहीं ना कहीं नज़र आता है कि गोल्ड मेडलिस्ट किसी भी देश के अंदर शिक्षा विभाग के अंदर ऐसे नहीं मिल जाता, उसके लिए बड़ी त्याग तपस्या, तो कहीं ना कहीं आपने उस भट्टी के अंदर जो आपको परिवार से मिला कि हार नहीं माननी है तो कुंदन बनने का काम किया यहाँ तक कहीं ना कहीं, और आपके माता पिता और आपके परिवार के सदस्यों और आपकी विशेष रूप से माताजी के बारे में प्यारे उसे बताते चलें, मौसी ने हक अदा किया है, कहते हैं मौसी यानी कि जो माताजी की बहन होती हैं उन्होंने हक अदा किया है, कहीं ना कहीं ममता की कमी नहीं महसूस होने दी और जब जब इनको कहीं टूट जाते थे तो दोबारा से उनको हमेशा हिम्मत हौसला अफजाई के लिए हमेशा मौसी साथ बनी रही और इस सफरनामे में उनकी भी बहुत बड़ी कुर्बानी है इनकी मौसी और मौसी के परिवार की। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत आपको सैल्यूट और आपके प्रेम स्नेह को और आपकी इस बलिदान को, आप साधारण किसान परिवार से इस मुकाम पे पहुँचे, अपने क्षेत्र का प्यारे वर्ष हमें भी बड़ा, हम भी गौरवान्वित महसूस करते हैं, विशेष रूप से मैं खुद स्वयं आध्यात्मिक आदमी हूँ और कहीं ना कहीं बीबी नगर बुलंदशहर का एक हिस्सा है और जाट लैंड के अंदर एक ब्लॉक है और वहीं एक मॉडर्ना गांव जाफराबाद के रहने वाले हमारे डॉक्टर साहब, तो कहीं ना कहीं हमें भी बड़ा गौरवान्वित महसूस होता है, हम भी प्राउडली फील करते हैं और होना भी चाहिए हर बुलंदशहर की बेटी, हर बुलंदशहर के बेटे के लिए, एक ऐसा किसान का बेटा कहीं ना कहीं वो अपनी त्याग तपस्या और कहीं ना कहीं साधना से आज वो उसने कहीं ना कहीं शिक्षा के अंदर भी झंडे गाड़े और कहीं ना कहीं गोल्ड मेडल हासिल किया और उसके बाद अपने दम पर मेरिट के बेस पर कहीं ना कहीं आज उत्तर प्रदेश सरकार का हिस्सा बने हुए हैं, देश की सेवा भाव में, देश के लिए कर्तव्य निभाते हुए सेवा में समर्पित हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे डॉक्टर साहब, आप अपनी
शुरू से सबको बताएं, तमाम पूरा देश आपको देख रहा है, आप बहुत एनर्जेटिक हैं, बहुत नौजवान हैं, साधारण किसान परिवार से, बड़ी सादगी है प्यारे बस डॉक्टर साहब के परिवार में, डॉक्टर साहब के अंदर स्वयं खुद, और जिस आवास में हम यहाँ बैठे हुए हैं चौधरी राजकुमार सिंह भाई साहब जो इनके फादर इन लॉ हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत साधारण परिवार, सादगी वाले, और कहीं ना कहीं मानवता सर्व परिवार वाले ये दोनों परिवार हैं। और कोटि कोटि आपको वंस अगेन बधाई, शुभकामनाएं यहाँ तक के सफरनामे पर, और जिस इच्छा शक्ति से आप देश में के उस सेवा भाव से समर्पित हैं, फौजी की तरह अपने आप को वाकई में विशेष बनाता है। क्या कहना चाहेंगे आप दर्शकों से, अपनी बात रखें, अपने एक्सपीरियंस शेयर कराएं, यहाँ तक सफरनामे में क्या क्या दिक्कत आई और किस तरीके से आपने, ताकि नौजवान आपसे सीख ले सकें और प्रेरणा का स्रोत बन सकें। गो अहेड डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। थैंक यू। मैं डॉक्टर ओमपाल पूनिया अभी मेरठ में अपर जिला कृषि अधिकारी के पद पर तैनात हूँ। तो जो मेरी जर्नी स्टार्टिंग हुई थी तो शुरू में ही 3 साल का था, तभी मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए थे, तो मेरी बड़ी मम्मी पापा यानी मौसी और मौसा जी मुझे अपने साथ ले आए थे। चौधरी अजयपाल सिंह पूनिया नाम है मेरे मौसा जी का, तो उन्हीं के उन्होंने मुझे मेरी परवरिश की है, पढ़ाया लिखाया है। तो 10th तक मेरा कोई बहुत अच्छा पढ़ने में बहुत ज़्यादा रुचि नहीं थी, कि बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन 10th के बाद ही मेरे बड़े भाई हैं जो मौसा जी के लड़के हैं राकेश पूनिया, उन्होंने मुझे काफ़ी प्रमोट किया कि तुम्हें पढ़ना चाहिए, एग्रीकल्चर बैकग्राउंड लोग उन्होंने ही मुझे बताया एग्रीकल्चर से, क्योंकि मैं कुछ किसान का बेटा हूँ तो मुझे उसमें इंटरेस्ट आया पढ़ने में, और फिर मेरा इंटरेस्ट बढ़ता ही चला गया। तो इंटर में मेरी 2nd रैंक आई पूरे कॉलेज में, BSc में ही मैंने यूनिवर्सिटी में 3rd रैंक प्राप्त की, MSc में मैं गोल्ड मेडलिस्ट था, जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग से की मैंने, क्योंकि पहले मेरी इच्छा थी कि मैं प्राइवेट सेक्टर में जाऊँ, वहाँ से जब रुचि बढ़ती चली गई लगा कि अच्छा पैकेज मिलेगा, बाहर चले जाएंगे, बट फिर एक ऐसा देश, देश के लिए कि बाहर, देश से बाहर जाना फिर बहुत अच्छा नहीं लगा, क्योंकि टाइम लगता है घर परिवार को छोड़ के। फिर PhD की, PhD करते करते मेरी जॉब लगी थी पहले सोइल में। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बार यहाँ भी बताते चलें, MSc में भी आपने जो है गोल्ड मेडल हासिल किया और PhD में भी, ये कौन सी जादू की छड़ी है, वो भी प्लीज़ हमारे दर्शकों को बताएं डॉक्टर साहब। रियली बहुत कम लोग ले पाते हैं PhD में और MS मास्टर डिग्री के अंदर। जादू की छड़ी कुछ नहीं होती, जब आपका एक बार इंटरेस्ट हो जाता है ना, तो आप कितनी मेहनत कर रहे हो आपको खुद पता नहीं लगता, आपको लगता है कि मैं नहीं कुछ कर रहा, बात इंटरेस्ट की होती है बस, कि आपका इंटरेस्ट था पढ़ने में तो उसके आगे कुछ अच्छा नहीं लगता था, जब आपका इंटरेस्ट हो जाता है ना कि ना समथिंग डू, हमें कुछ करना है, तो फिर हाँ फिर पैशन हो जाता है, फिर आपको नहीं पता चलता कि आप 10 घंटे बैठे हो, 12 घंटे बैठे हो, कंटिन्यू बैठे रहते हो, अगर आपका पैशन नहीं है तो। अब मैं भी सोचता हूँ कि मैं उस समय कैसे इतना पढ़ता था, उस समय नहीं लगता था कि मैं बहुत पढ़ रहा हूँ, तो ये तो आपका पैशन है कि इंटरेस्ट था कि भाई हमें कुछ सीखना है, ये कभी नहीं सोचा कि गोल्ड मेडलिस्ट बनना, कभी नहीं आया मन में, बस ये था कि कुछ सोचना है, कुछ नया सीख रहे हैं हम, उस नए सीखने में इंटरेस्ट जितना बढ़ा वो बढ़ता चला गया। तो PhD में जब कर रहा था तभी मेरी एज ए सोइल इंस्पेक्टर मेरे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में UP गवर्नमेंट के अंडर मेरी जॉब लग गई, उसके लगते हुए फिर एक हमारे जॉइंट डायरेक्टर हैं इस समय JP चौधरी, वो मुझे मिले, उन्होंने मेरी PhD के लिए मुझे छुट्टी लीव भी दी, और उन्होंने कहा बेटा आप तुम तैयारी करो, एटलीस्ट PCS की तैयारी करो, यू हैव ए क्वालिटी। तो मैंने कहा ठीक है सर, उन्होंने मुझे काफ़ी प्रमोट किया। तो अभी 2020 में ये फॉर्म निकले थे एग्रीकल्चर PCS के लिए, उसकी 2022 में मेरी ज्वाइनिंग हुई। तो इस तैयारी में जब मैंने तैयारी स्टार्ट की तो उसी समय कोरोना काल में मेरी जो मम्मा थी माताजी उनका देहांत हो गया, और जिस दिन मैं एग्ज़ाम देने के लिए जा रहा था मेंस का एग्ज़ाम देने के लिए PCS के लिए, तो जो मेरे मौसा जी थे जिन्होंने मुझे पालन पोषण किया, जो एक तरह से आपके मेंटर थे, हाँ पिता की तरह ही थे, उसी दिन उनका देहांत हो गया। मैं एग्जाम देने के लिए ट्रेन के लिए बैठ रहा था, उधर मेरा फोन आया कि ऐसे ऐसे हो गया, बड़ी अग्नि परीक्षा हुई। हाँ तो फिर एग्जाम ट्रेन नहीं पकड़ी, शाम की ट्रेन थी मेरठ से लखनऊ के लिए, तो पहले गाँव में आया तो सभी जो उनका अंतिम संस्कार करा के फिर मैंने अमरोहा से ट्रेन पकड़ी थी रात को 9-10 बजे, वही ट्रेन जो मेरठ से मुझे पकड़नी थी, फिर अगले दिन मैंने जाके एग्ज़ाम दिया था। तो उस समय काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था, बहुत ज़्यादा टफ लग रहा था कि कैसे एग्ज़ाम दूँ, बहुत ज़्यादा मन भारी होता है उस समय पे। तो ये अभी 24 मई 2022 को इसका रिजल्ट आया था, और मैंने 19 दिसंबर 2022 को ज्वाइन किया है ये मेरठ में अपर जिला कृषि अधिकारी के पद पर। कैसा लग रहा है वो, आप जो है ज़िला कृषि अधिकारी है वहाँ पर, और जो स्टाफ है और जो किसान परिवार से किसान मिलते हैं, आप खुद किसान के बेटे हैं, कैसा लगता है वो आपको?
ये मुझे बहुत अच्छा अनुभव होता है कि मैं खुद किसान का बेटा हूँ और मुझे सेवा करने का मौका भी किसानों के लिए मिला है। तो जब कोई भी किसान आता है ऑफिस में, हम उसकी कोई भी मदद कर पाते हैं तो काफ़ी अच्छा फील होता है कि हम कुछ कर रहे हैं, किसी की मदद करके हमें बहुत अच्छा फील होता है।